हेलो गाइज, मेरा नाम है मनीष और हमारे चैनल Alwaysapplepro में आपका स्वागत है गाइज। तो आज बात करेंगे एप्पल केयर प्लस की सर्विस के बारे में और इसके अंदर लिक्विड डैमेज इंक्लूड है या नहीं, थेफ्ट एंड लॉस अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है वो आप कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद बात करेंगे मेन की कितने आप जो है क्लेम ले पाएंगे और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो गाइज चलिए वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं एप्पल केयर प्लस है क्या। तो गाइज एक प्रकार का इंश्योरेंस ही है एप्पल केयर प्लस का, बट काफ़ी कुछ फ़र्क है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। ये 2 ईयर की वारंटी के साथ आता है, जैसे एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान होता है उसके अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, एक्सटेंड हो जाती है, उसी प्रकार से एप्पल केयर प्लस है। और ये जो प्लान है आपको फ़ोन खरीदने के 60 डेज के भीतर ही परचेज करना है। जैसे एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान है हम साल के एंड में भी खरीद पाते हैं, लेकिन ये नहीं, एप्पल केयर प्लस जो है आपने फ़ोन खरीदा 60 डेज के भीतर भीतर आपको ये प्लान खरीदना है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर आपका फ़ोन एक्सीडेंटल डैमेज होता है तो आप जो है फ्री में आप करा पाएंगे, यानी आपको जितना चार्जेस आपको वारंटी में होता है या आउट ऑफ वारंटी होता है जितना पे करना पड़ता है उतना नहीं करना पड़ेगा। तो कितना है, आप कितने क्लेम ले पाएंगे, अब इसके बारे में बताता हूँ। तो गाइस एप्पल केयर प्लस के अंदर आप 2 साल के अंदर 2 क्लेम ले सकते हैं। किसी ने आपको बताया होगा साल के अंदर 2, तो 2 साल का होगा 4 क्लेम ले पाएंगे, बट 4 क्लेम आप नहीं ले पाओगे। अगर आपका फ़ोन बाय चांस एक्सीडेंटली डैमेज होता है तो आप अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर पे आपको जाना रहेगा, और वहाँ पे अगर स्क्रीन डैमेज होती है तो 2500 रुपये बता रखा है, और एनी अदर डैमेज के अंदर 8900 रुपये बता रखेगा। ये जो सभी पैरामीटर्स है ये सर्विस सेंटर के अकॉर्डिंग जितनी प्राइस है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। ये वहाँ पे आपका सर्विस सेंटर पे मोबाइल चेक होगा तभी जाके वो आपको चार्जेस बता पाएंगे, बट एक बता रखा है कि आपका स्क्रीन डैमेज होता है तो 2500 रुपये, और अगर एनी अदर डैमेज है तो 8900। और बहुत से लोगों ने बताया कि भाई लिक्विड डैमेज भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो गाइस क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ और टोल फ्री नंबर भी दे रहा हूँ आपको, वहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। एप्पल की कहीं साइट पे मेंशन नहीं है लिक्विड डैमेज इसके अंदर कवर है, तो गाइस लिक्विड डैमेज इसके अंदर कवर नहीं है। आप टोल फ्री नंबर दे रहा हूँ मैं एप्पल का, वहाँ से भी कॉल कर लेना, मैंने कॉल किया कंफर्म किया तब जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लिक्विड डैमेज इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। आपके फ़ोन को हमेशा पानी से बचा के रखें, ठीक है गाइज। ये मैंने चीज़ मेंशन कर दी है क्योंकि बहुत से लोगों के डाउट ये थे कि लिक्विड डैमेज भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, तो लिक्विड डैमेज इंक्लूड नहीं है गाइज। प्लान लेते हैं तो आप कितने एक्सीडेंटल जो कवर है आप क्लेम कर पाएंगे, तो गाइज इसके अंदर आप 2 क्लेम ले सकते हैं साल के अंदर, चाहे तो 1st ईयर के अंदर जो वारंटी होती है स्टार्ट उसी के अंदर आप जो है 2 क्लेम ले सकते हैं, या फिर आप चाहे अगर आपने 2 क्लेम साल भर आपका फ़ोन इजीली चला कोई प्रॉब्लम्स नहीं, नेक्स्ट ईयर जो है उसके अंदर 2 क्लेम आप ले सकते हो इजीली। आप यू सो दो 24 मंथ की हमें जो सर्विस मिलती है उसके अंदर हम 2 क्लेम ले सकते हैं, क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों के बीच में कन्फ्यूजन ये भी है कि हम साल के अंदर 2 क्लेम लेंगे, यानी 2 साल का प्रोटेक्शन प्लान है तो 4 क्लेम ले पाएंगे, तो 4 क्लेम नहीं ले पाओगे, 2 क्लेम ही ले पाओगे, लिक्विड डैमेज इंक्लूड नहीं है गाइस। तो गाइस आप सभी लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि भाई एप्पल केयर प्लस के अंदर जो बैटरी, हमारी बैटरी हेल्थ डाउन हो जाती है 79 के अंदर आ जाती है तो बैटरी रिप्लेस करके देंगे या नहीं। तो गाइस इसके अंदर आपको 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ बैटरी आपकी रिप्लेस हो जाएगी, बट इसके अंदर आपको बताता हूँ रूल्स ये है, आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो 79 तक आनी चाहिए, यानी 80% से नीचे तक आती है तो आप सर्विस सेंटर पे जाएंगे तब आपकी बैटरी रिप्लेस हो जाएगी, अगर एप्पल केयर प्लस भी लेते हैं और या चाहे एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान है तो भी आपका, अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है 79 तक आती है तो डेफिनेटली आपको सर्विस सेंटर पे जाना और बैटरी हेल्थ वहाँ पे शो करनी है, बोलना बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको बैटरी चेंज करके दे देंगे। तो गाइस ये अच्छा है हमें कि बैटरी रिप्लेस करके दी जाएगी और 2 ईयर के अंदर डेफिनेटली बैटरी हेल्थ जो है वो 89 या 79 तक आ ही जाती है अगर अच्छे खासे आप गेम वगैरह प्ले करते हैं तो गाइस। तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया, ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी, एप्पल केयर प्लस के अंदर जो बैटरी है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस आप बोलोगे एक सर्विस चार्जेस भी आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया जाएगा, सर्विस चार्जेस भी आपसे नहीं लिया जाएगा बैटरी रिप्लेसमेंट का गाइस। तो उसके बाद बात करें ये एप्पल केयर प्लस की जो प्लान है उसकी रेट क्या है, तो गाइस सभी मॉडल्स के लिए अलग अलग है, आपको मैं आईफोन 12 और 12 प्रो जो लेटेस्ट मॉडल है उनकी बता देता हूँ, और उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में भी जरूर मेंशन कर दूंगा सभी के प्लान्स की क्या रेट है, और स्क्रीन पे भी मैं शो कर दूंगा आपको कौन से फ़ोन की क्या है एप्पल केयर प्लस अगर आप लेते हैं। तो गाइस अगर आप एप्पल केयर प्लस लेते हैं आईफोन 12 के लिए 64 GB के लिए तो उसके लिए आपको पे करना है 16,900 रुपीज़, तो गाइस 16,900 रुपये भी हमें पे करने हैं। उसके बाद हमें लिक्विड डैमेज भी नहीं मिल रहा, थेफ्ट एंड लॉस भी नहीं मिल रहा है, उसके बाद अगर डैमेज हो गया फिर भी हमें पैसे देने ही है, तो गाइस इस सर्विस को मैं वर्थ नहीं मानता हूँ, डेफिनेटली आपको ये नहीं लेना चाहिए।
इससे बेटर आप क्या कर सकते हो, 1000-2000 रुपए का अच्छा सा केस और फुल 360 डिग्री का जो स्क्रीन गार्ड आता है या टेम्पर्ड ग्लास आता है वो आप यूज कर सकते हो। गाइज देख सकते हैं मेरा जो फोन है गाइज एटलीस्ट 2 साल होने आए इस फोन को, iPhone XS आप देख सकते हैं अच्छा सा कवर यूज कर रखा है और जो फुल टेम्पर्ड ग्लास है 360 डिग्री का प्रोटेक्शन, अगर फोन ड्रॉप भी होता है तो कुछ भी नहीं है, ओनली स्क्रीन गार्ड ही डैमेज होगा। 16,900 रुपये एप्पल केयर प्लस के लिए वर्थ नहीं है, आपको इसके लिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा सा केस आप ले सकते हैं 1000-2000 रुपये में अच्छा सा मिल जाएगा और 1000 रुपये के आसपास आपको अच्छे से अच्छा प्रोटेक्शन वाला आपको जो है टेम्पर्ड ग्लास मिल जाएगा, एटलीस्ट आप उस पर खर्चा कर लीजिए। बट एप्पल केयर प्लस के अंदर इसके अंदर थेफ्ट एंड लॉस की सर्विस भी हमें मिलती तो भी ठीक है, एक वैल्यू फॉर मनी मार सकते हैं। लिक्विड डैमेज भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो 16,000-17,000 रुपये हम दे रहे गाइज, उसके बाद भी हमें ये चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो गाइज इस प्लान को लिए मैं वर्थ नहीं बोलूँगा और आपको इस प्लान को नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर आपके फ़ोन ज़्यादा या विदाउट कवर यूज़ करते हैं और आप नॉर्मली आपका फ़ोन ज़्यादा ही ड्रॉप होता है तो डेफिनेटली जा सकते हैं, बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा आपके लिए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपके कोई कमेंट और सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।